বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে प्रभुपाद जी को पहचानना कोई आसान नहीं है, क्योंकि जो वैष्णव होते हैं वो अपराकृत होते हैं। जैसे संसारी लोगों का जन्म होता है मृत्यु होती है, इस तरह नहीं होते हैं। महाराज जी ने कहा संसार के लोगों की बात छोड़ दो, जो देवता लोग हैं वो भी वैष्णव को नहीं पहचान पाए। देवता क्यों नहीं पहचान? देवता तो श्रेष्ठ होते हैं, देवताओं के तो शरीर से बदबू नहीं आती, देवताओं के शरीर से तो सुगंध आती है, देवता तो स्वर्ग आदि लोक में रहते, फिर वैष्णव को नहीं पहचान सकते, क्योंकि वैष्णव अप्राकृत होते हैं और जो देवता होते हैं वो सत्वगुण प्रधान होते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इससे ऊपर अप्राकृत दिव्यता होती है। उन्हीं दिव्य गुणों के साथ, उन्हीं अप्राकृत गुणों के साथ प्रभुपाद जी इस धरातल पर प्रकट हुए। जैसे महाराज जी बताया उनका तिलक और यज्ञ पवित्र। तू हो दया सागर तारो इते प्राणी, तू हो दया सागर तारो इते प्राणी, आकर जो विभिन्न लीलाएं की उसमें से उन्होंने हमें कहा कि आप सभी लोग रूप रघुनाथ की कथा उत्साह के साथ प्रचार करना। रूप रघुनाथ माने रूप गोस्वामी पहला नाम है, षड गोस्वामी है, रघुनाथ दास लास्ट है, जैसे बोलते हैं ए टू जेड, अर्थात षड गोस्वामी की जो बात है, रूप गोस्वामी की जो बात है, सनातन गोस्वामी की जो बात है, गोपाल भट्ट गोस्वामी की जो बात है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की बात है, जीव गोस्वामी की बात है, रघुनाथ दास ये जो छह गोस्वामी हैं, इनकी जो शिक्षाएं हैं, इनकी जो विचारधारा है, इसका प्रचार कर। साथ में उन्होंने कहा कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर हरि भजन करना, एक दूसरे से द्वेष नहीं करना। से मोर संपद श्री रूप मंजरी पद, से मोर संपद से मोर भजन पूजन, Yeah.
के 79वें बीरा उत्सव पर हम अभी पूज्य बातिदंडी स्वामी श्री संत भक्ति सौरभ आचार्य महाराज से प्रभुपाद जी की महिमा सुन रहे थे। महाराज जी ने बताया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एवं परम पूजनीय माताजी भगवती देवी जी की महान देन है श्रील प्रभुपाद जी, उन्हीं के ही कृपा से हमें प्रभुपाद जी मिले और प्रभुपाद जी की देन है हमें परम गुरु जी और परम गुरु जी की देन हमें गुरु महाराज। किस तरह प्रभुपाद जी इस धरातल पर आए, दो कारण महाराज ने बताया। एक तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको भेजा कि जाकर जो शुद्ध भक्ति की बात है, शुद्ध भक्ति मार्ग की जो बात है, शुद्ध भक्ति सिद्धांत की जो बात है, उसको जगतवासियों को समझाओ जो कि धीरे धीरे लुप्त हो रही है। दूसरा उन्होंने जागतिक जो कारण बताया वो ये कि माताजी भगवती देवी जगन्नाथ मंदिर में जो विमला देवी हैं उनके पास गई, उनसे प्रार्थना की कि मेरे पहले पुत्र हैं, तीन पुत्र हैं, लेकिन मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करना चाहती हूं कि मुझे एक वैष्णव पुत्र दें, भगवत भक्त पुत्र दें, जो इस प्रकार का भजन करे, मेरा भी उद्धार करे, मेरे सारे वंश का उद्धार करे। तो जगन्नाथ जी की जो पराशक्ति विमला देवी, उन्होंने उनकी प्रार्थना को सुना और श्रील प्रभुपाद जी इस धरातल पर आए। महाराज जी ने बताया कि माता भगवती देवी बहुत देखने में सुंदर थी और जिस तरह माता जी बहुत सुंदर हैं, उन्हीं की शकल प्रभुपाद जी में आई तो प्रभुपाद जी भी देखने में बहुत सुंदर थे। आज का जो विरह उत्सव, प्रभुपाद जी का जो आज विरह उत्सव हम लोग यहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके बारे में महाराज जी ने बताया, जिनका प्रभुपाद जी से अगाध प्यार होगा, जिनका प्रभुपाद जी से संबंध होगा, आज के दिन उसके हृदय में विरह होगा। हमारे हृदय में विरह नहीं है, इससे पता लगता है कि प्रभुपाद जी से अगाध प्यार हमारा नहीं। मतलब विरह के साथ ही उत्सव शब्द क्यों लेगा वह? उत्सव शब्द इसलिए है, आध्यात्मिक दृष्टि से ये वो तिथि है जिस दिन भगवान के निजीजन भगवान की आज्ञा से इस धरातल पर आते हैं और आज के दिन वापस भगवत धाम में जाते हैं। तो अपने घर वापस जा रहे हैं, तो कोई अपने घर वापस जा रहे तो खुशी मनाना चाहिए, इसलिए उत्सव। और एक और बात है, वैष्णव को आविर्भाव तिथि में याद करें या तिरुभाव तिथि में याद करें, वैष्णव को स्मरण करने से हृदय में आनंद आता है और जब आनंद आता है तो उत्सव हो जाता है, इसलिए विरह उत्सव लिखा जाता है। प्रणामामि सदा प्रभुपाद पदम, 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 प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम्।
प्रभुपाद।